मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल डू मेमो राइटिंग. आप लोगों ने डिमांड भी की थी कि मेमोरेंडम हमें कराया जाए. तो देखिए मेमो क्या है. मेमो क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी, मेमोरेंडम की. अब देखिए होता ये भी लेटर ही है, इसमें हमें लेटर की तरह ही लिखना होता है. बट डिफरेंस क्या होता है कि लेटर्स आर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मीन्स बाहर का कोई टॉपिक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे आपको किसी एडिटर को पोस्ट करना है, करप्शन पे किसी को बाहर को आपको पोस्ट करना है, तो इस तरीके के लेटर्स होते हैं. बट मीमो क्या होता है, मीमोज आर द टिपिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड विद इन कंपनीज. किसी एक कंपनी के अंदर रहकर ही आपको जो काम करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो मीमोज होते हैं. सपोज अगर हम FC कॉलेज के कलीग्स हैं, तो FC कॉलेज के कोलीग को जो इनफॉर्मल जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मीमो की फॉर्म में मिलेगी, तो वो मेमोरेंडम है. ऐसा नहीं कि बाहर से कोई, मतलब विद इन एक किसी भी एक कंपनी के थ्रू, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर जो काम हो रहा है, दैट इज आर मीमो. इट इज़ रिलेटेड टू इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन. ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमें जानकारी दी जाएगी वो इनफॉर्मल होगी. इनफॉर्मल मतलब कि उसके अंदर क्या होगी, हमारी जो प्रोफेशनल ही बातें होंगी, प्राइवेट बातें उसके अंदर नहीं होंगी. और प्राइवेट मीमो कभी लिखना भी नहीं चाहिए. मीमोज कैन बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ इन्फॉर्मेशन. मीमोज को किस किस के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और रिमाइंडर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सो ये तो हो गई गर्ल्स डेफिनेशन मेमोरेंडम की. याद रखना, मेमो इज़ अ शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म ऑफ मेमो इज मेमोरेंडम. आइए अब देखते हैं कि मेमो का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे मेमो को बनाया जाता है. देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी. हेडिंग के अंदर आपको मेमोरेंडम ही डालना होगा. याद रखना, ब्लॉक लेटर्स में लिखा होना चाहिए, MEMORANDUM. मीमो भी लिख सकते हो, बट बेटर रहेगा कि आप मेमोरेंडम कंप्लीट ही लिखें. उसके बाद लिखना है आपको टू, वन लाइन मार्जिन आफ्टर हेडिंग, वन लाइन मार्जिन. आफ्टर दैट वी शुड राइट टू. टू मीन्स, अब जैसे भी हम किसी को भी लिखते, मैंने ईमेल में भी आपको बताया था, टू माने जिसको हम भेज रहे हैं. हु और विच डिपार्टमेंट गेट्स इट. आपका मेमोरेंडम किस डिपार्टमेंट में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में. सपोज क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल आर्ट्स डिपार्टमेंट को, FC कॉलेज के आर्ट्स डिपार्टमेंट को क्या भेज रहा है, मेमोरेंडम भेज रहा है. तो जिस डिपार्टमेंट को भेज रहा है, उस डिपार्टमेंट में हु, कौन या किसी डिपार्टमेंट, कौन सा, या तो डिपार्टमेंट का नाम होगा या फिर किसी पर्टिकुलर को है तो पर्टिकुलर का नाम होगा. फ्रॉम में कौन आ जाएगा, हु और विच डिपार्टमेंट सेंट इट. फ्रॉम वैसे ही हमें पता ही है, जो हम भेजते हैं, जैसे ईमेल आईडी में हमें सेंडर एड्रेस हमने कहा था. सो जो भेज रहा है वो फ्रॉम में आ जाएगा. फिर आएगी डेट, व्हेन इट वॉज सेंट. डेट हमें वो लिखनी है जिस दिन हमने मेमोरेंडम या मेमो को भेजा है. आफ्टर दैट देयर शुड बी अ वन लाइन मार्जिन. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट. अभी हमें पता ही है सब्जेक्ट क्या होगा, एक तो ब्रीफ होना चाहिए, और सब्जेक्ट हमें पता ही है व्हाट इट्स अबाउट, किसके बारे में है, या यूं भी कह सकते हैं कि रीजन ऑफ मेमोरेंडम, किस लिए हम लिख रहे हैं मेमोरेंडम को, तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. उसके बाद आपको वन और टू लाइन मार्जिन, जो भी आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, मीन्स क्लियर होना चाहिए वो हमें. उसके बाद देखिए आपका क्या है, सबसे पहले हमारा आता है पर्पस. अब आपको ये लिखना नहीं है कि यहाँ पे पर्पस लिख के फिर आप लिखोगे, मीन्स जो पर्पस है आपका मेमो का वो आपको फर्स्ट लाइन में ही क्लियर करना है. ऐसा नहीं हो कि आप 5-7 लाइन पहले ही लिख रहे हो, उसके बाद आप पर्पस को क्लियर कर रहे हो. तो आपको ये ध्यान रखना है कि पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए. स्टार्टिंग में ही ये होना चाहिए, इट इज़ टू रिमाइंड टू ऑल ऑफ यू दैट द माई पर्पस ऑफ दिस मेमोरेंडम इज, जो भी आपका टॉपिक है उसके ऊपर पर्पस आपको लिखना है. नेक्स्ट, अब पर्पस के बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेंजा बनाना है. नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर आपको क्या लिखनी है, समरी लिखनी है. समरी मींस जो पर्पस आपने किया है उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी देनी है. डिटेल इन केस ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना है, मींस अकॉर्डिंग टू आपके मार्क्स, जो है आपका कितने मार्क्स का आता है उसके अकॉर्डिंग. उसके बाद आपको लिखना है रिकमेंडेशन. रिकमेंडेशन के अंदर आप क्या है, सुझाव भी दे सकते हैं इस तरीके से कि ये रिकमेंडेशन थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेंजा होगा. तो रिकमेंडेशन के बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट हो जाएगा आपका मेमो. उसके बाद आपको जो भी लिख रहा है उसका नेम लिखना है, और यहीं पर आपका मेमो ख़त्म हो जाएगा, और पूरे के पूरे मेमो को आप एक बॉक्स के अंदर बना सकते हैं. अब देखिए, सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको कैसे समझ में आएगा. सपोज़ क्या है कि एक कंपनी है, उस कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ है वर्कर्स के काम करने से, ठीक है. तो ये तो हम सब लिख ही देंगे कि
मतलब पर्टिकुलर यूं लगा लो कि बहुत सारी एक कंपनी है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ने ज़्यादा अच्छा काम किया तो टू में उस डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा जिसने अच्छा काम किया, फ्रॉम उस कंपनी का नाम आ जाएगा, डेट जिस दिन लिखा गया और सब्जेक्ट क्या है कि किस चीज़ के लिए लिख रहे हो आप, फॉर बेनिफिट, बेनिफिट के लिए लिख रहे हो। तो अब आपका पर्पज आ गया। अब पर्पज में आपको घुमाना फिराना नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है कि किस लिए लिख रहे हैं हम, इसलिए लिख रहे हैं कि कंपनी को मुनाफा हुआ है। सीधा आपको पर्पस ये लिखना है कि आई एम इन्फॉर्मिंग यू आर कंपनी इज गेटिंग प्रॉफिट डे बाय डे, इस तरीके से आपको ये लिखना है। अब उसके बाद लिखना है आपको समरी कि कैसे लोगों ने काम किया। अब इसमें बताया जाएगा कि अर्लियर आवर रिस्पॉन्स वॉज दिस, नाउ द रिस्पॉन्स इज दिस, इस तरीके से आपको लिखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्लियर एंड प्रेजेंट, कि क्या डिफरेंस आया, कैसे उनका मुनाफा बढ़ा, इसके अंदर आपको क्लियर लिखना है। आप समरी के अंदर फुट नोट्स बनाकर भी लिख सकते हैं, बुलेट नोट्स से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आती है रिकमेंडेशन। देखिए रिकमेंडेशन में आपको उनको सुझाव देना या उनको थोड़ा हम यूँ कहें कि अप्रिशिएट टाइप में कुछ करना है, तो आप ये कह सकते हो कि आप अगर इसी तरीके से आपको आगे काम करना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से आगे काम करते रहे ताकि हमारा जो ये जो बिजनेस है, जो ये हमारा कंपनी है, जो इसी तरीके से आगे अच्छे से चलती रहे। उसके बाद आपको थैंक्स कह के ख़त्म करना है, लास्ट में नेम आ जाएगा, कंपनी का नेम लिखना है। तो इस तरीके से आपको मेमोरेंडम क्या है लिखना है। और एक फ़ोटो मैं आपको भेज रही हूँ साथ में ही, एक एग्जांपल हो जाएगा आपका। अभी भी कोई डाउट है सो यू कैन शेयर। थैंक यू।